हेलो गाइस, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द सॉन्ग. लाइक यू नो द सॉन्ग इज रियली सक्सेसफुल एंड लाइक इट्स गेटिंग सो मच ऑफ लव एंड लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द टीम वर्क. एवरीवन्स हार्ड, सुपर हार्ड वर्क एंड बिकॉज ऑफ द रियली डन सिंगर डायरेक्टर एंड द मचाओ टीम. जब पहली बार मुझे बोला तो मैं सनी को ले रहे हैं, पता नहीं क्या वीडियो बनाएगा. कहीं ना कहीं मुझे पता था कि पुनीत विल नॉट do the same thing which people do. कुछ ना कुछ हटके ही सोचता है. वही हुआ. मैं जब आया तब देखा इंडियन आउटफिट, जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना सो गरबा सनी को भी इंडियन अवतार में लेके आया एंड शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड देन सेट पे हम लोगों ने काम किया. दूसरे दिन और एक सरप्राइज मिला, भूमि आ गई एंड शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. तो मेरा एक्चुअली वो जो पोस्टर बनाया वो चमक इसलिए आया क्योंकि दोनों साइड से मुझे ब्यूटीफुल amazing light mil rahi hai, isliye main chamak raha hu. Bhumi, you have given like you know many hit songs, Let It Be Ram Chahe Leela and like you know many more. Like what do you have to say about this particular song? What was different in this song according to you? I think I just don't know, it was completely out of my imagination. I had never thought of something like this would happen with me. And of course, Machao Music ke sath mera pehla project hai and I was very keen on working with them and I'm definitely looking forward to working with them for future projects as well. लेकिन ये वाला तो बहुत ही बड़े सरप्राइज से भी यू नो हम लोग काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिए एंड पुनीत इज़ लाइक यू नो कि दिस ड्रीम इज़ कम ट्रू फॉर मी. बट मेरे लिए ये था कि मैंने मेरे सोच से भी बाहर आई ये चीज़ एंड आई एम सो सरप्राइज एंड वेरी वेरी हैप्पी, ऑब्लाइज, ऑनर्ड और जो भी यू नो ऑल द सिनोनिम्स दैट आई रियली वांट टू यूज़, मैं सब कुछ फील कर रहा. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर वट एवर हैज़ हैपेंड एंड थैंक्स टू मचाओ म्यूज़िक एंड पुनीत, सॉरी विपिन जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया है और गाया है एंड कुमार पाजी जिन्होंने ब्यूटीफुली गाना लिखा है एंड ही इज़ लाइक द किंग ऑफ हुक लाइंस एंड हुक वर्ड्स एंड एवरीथिंग यू नो. कि जब भी कोई अगर गाना, इतने ढेर सारे गाने लिखे लेकिन आज भी जब नाच बेबी बनाया तो वो इट्स अनलाइक अदर सॉन्ग्स यू नो. सो बहुत ब्यूटीफुली इट्स रिटन एंड ये होता है कि एक गरबा सॉन्ग है तो उसमें कुछ कॉमन वर्ड्स जो यूज़ होते हैं और अभी इस सीज़न भी नवरात्रि में, इस सीज़न में भी अगर आप देखेंगे सात आठ गाने ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे वर्ड जो है वो बहुत कॉमन है लेकिन उसमें से एक गाना भी, एक वर्ड भी नाच बेबी में यूज़ नहीं हुआ है. सो दिस इज़ लाइक यू नो वेयर वी स्टैंड आउट एंड नाच बेबी स्टैंड आउट ऑफ ऑल द अदर सॉन्ग्स की जो सीज़न के लिए आए हैं. बहुत बढ़िया बढ़िया गाने बन रहे लेकिन आई थिंक इस गाने को इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड ऑफकोर्स गाने के अलावा अगर मैं बात करूँ तो दो दिन पहले मैं सब कुछ जितना फैट्स हो सकता है वो बहुत कोइंसिडेंटली मैं सब कुछ खा रही थी एंड उसके बाद जब मुझे मचाओ म्यूजिक से कॉल आया कि ये दो दिन बाद आपको शूट करना है एंड आई वाज लाइक कि सारे एक भी कपड़े मुझे फिट नहीं हो रहे हैं. सो आई मीन लेकिन मैंने बहुत वो प्रोसेस है, मुझे बहुत मज़ा आया एंड थैंक्स टू ऑफकोर्स रेमो सर एंड सनी मैम एंड पुनीत सर जिन्होंने इतना पेशेंस दिखाया मेरी तरफ एंड बिकॉज मी बींग अ नॉन डांसर मैं जिस तरह से मैंने कोशिश करी डांस करने की मुझे बहुत मजा आया. आई लव द प्रोसेस एंड थैंक्स टू एवरीवन. पुनीत, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बिकॉज लाइक यू नो व्हेनेवर वी थिंक अबाउट रेमो सर, लाइक यू नो कोरियोग्राफिंग समवन लाइक रेमो सर, इट इज़ लाइक यू नो मतलब एक इंसान खुद ही भूल जाएगा कि क्या करना चाहिए. व्हाट वाज योर फीलिंग, व्हाट वाज योर थॉट? हर इंटरव्यू में यही पूछा गया और हर इंटरव्यू में जवाब एक ही है, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, इट्स अ प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि रेमो सर ने बिलीव किया मुझ पर. एंड सो इट वॉज स्टार्टेड विद मचाओ म्यूजिक, पीयूष, हितेंद्र एंड मी एंड द एंटायर टीम, दे वर देयर. आई स्टिल रिमेंबर क्लियरली द फर्स्ट मीटिंग दैट वी हैड एंड गाना सुना एंड वी हैड लॉट ऑफ नेम्स कमिंग अप फॉर द आर्टिस्ट एंड देन दो तीन मीटिंग्स हुई उसके बाद ऐसे ही मैंने कहा कि रेमो सर एंड दे शोड इंटरेस्ट एंड देन दे सेड दैट आप बात करो एक बार. आई कॉल्ड सर, सर ने बोला कि हाँ मतलब ठीक है, मतलब सर मतलब पूरा फीचर मतलब पूरा मतलब प्रॉपर हीरो सर 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 स्टार्टेड लाफिंग लाइक दिस.
and then sir wo like mar gaana bhej de, then he heard the song, he loved the song, he called back saying that karte, and then Sunny came in, she started rehearsals, everything just happened. Yeah, I think everyone was destined to do something so beautiful, and this is a big shout out to all the people who've come together, whether it's a spot dada to the person who's watching this video. Thank you, and many more to come from Machao Music and from us individually and together. Until then, machate. Thank you.